डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्व किए हैं उसी की सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन, लेट द इंटीग्रल बी इक्वल टू आई। इस इंटीग्रल को पार्शियल फ्रैक्शन बना के हम सॉल्व कर पाएंगे, तो आइए देखिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनते हैं। इसके पार्शियल फ्रैक्शन देखिए, 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे a अपॉन x प्लस 1, ये लीनियर है तो लीनियर के ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट आएगा, और ये क्वाड्रेटिक है जो कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता तो इसके ऊपर न्यूमरेटर में एक लीनियर टर्म आएगी बी एक्स प्लस सी। इसका अब आप एलसीएम ले तो ये होगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, और इक्वल टू में है सेम 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 5x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब हमें a, b और c कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू माइनस 1 इसलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे कि माइनस 1 रखने से ये टर्म पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी और हमारे पास a की वैल्यू होगी। x इक्वल टू माइनस 1 का आइडिया कहां से आया? वो इससे आया है, x प्लस 1 से, x इज इक्वल टू माइनस 1 का आइडिया। अगर यहां पर ऐसा होता x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि आपके पास है x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनते हैं a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2, c अपॉन x माइनस 3। सारी टर्म्स देखिए आप, सारे फैक्टर्स जो है इसके लीनियर फैक्टर्स है, और बीइंग लीनियर फैक्टर्स ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें कांस्टेंट टर्म आई है a, b, c, इसमें भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना रहता है। अब x a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यूज निकालने के लिए x की जगह 1, 2 और 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेम आइडिया यहां पर, x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया माइनस 1, देखिए क्या होगा। दिस इंप्लाइज 5 इंटू माइनस 1 a इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस c माइनस 1 प्लस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो ये इंटू में है तो ये भी जीरो हो जाएगा। हमारे पास बचेगा a इंटू माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 9 इज 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, विच इंप्लाइज 10 को आप डिनोमिनेटर में भेज दें तो a बिकम्स माइनस 5 बाय 10 विच इज माइनस 1 बाय 2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें दो और कॉन्स्टेंट्स हैं b और c, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका अगर ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कोफिशियंट्स सेम पावर के इक्वेट्स करने पड़ेंगे दोनों साइड के, या फिर आप, मैं जो कहता हूँ वो आसान सी टेक्निक लगा दीजिए, आप x की जगह एक मन से वैल्यू लें जो अभी तक आपने यूज नहीं की, जीरो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जीरो रख दें। जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस 9 प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी जीरो प्लस 1।
अब आप इसको देखें, लेफ्ट साइड क्या हो गया आपका, लेफ्ट साइड हो गया आपका 0 और राइट साइड हो गया आपका 9a, b इंटू 0 इज 0, 0 प्लस c इज c, c इंटू 1 इज c, तो ये आ गया c. c का वैल्यू है आपका माइनस 9a, और a का वैल्यू क्या है आपके पास, यू हैव a इज इक्वल टू माइनस 1/2. अपने पास a की वैल्यू क्या है, माइनस 1/2, तो a की वैल्यू माइनस 1/2 हम यहां पर यूज कर लेंगे. तो a की वैल्यू अगर माइनस 1/2 यहां यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको सेपरेट कर देते हैं. a की वैल्यू देखिए, c इज इक्वल टू माइनस 9a, माइनस 9 इंटू वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज माइनस 1/2 बिकॉज a इज माइनस 1/2, तो c का वैल्यू आया आपके पास 9/2. ये दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू है जो आपके पास अब आ चुकी है c की वैल्यू. अब हमें निकालना है एक तीसरा कांस्टेंट जो बच गया है b. b की वैल्यू निकालने के लिए आप x की एक और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, मन से भी ले सकते हैं, मन से पर ऐसी ले छोटी वैल्यू क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है. तो अब हम x की जगह 1 रख देते हैं, x की जगह 1 रखिए तो लेफ्ट साइड क्या होगी आपकी, लेफ्ट साइड x इज इक्वल टू 1 रखने में लेफ्ट साइड आपकी बनेगी 5 इंटू 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस b इंटू 1 प्लस c, ब्रैकेट विल हैव 1 प्लस 1. तो ये आपके पास आएगा 5 इज इक्वल टू 10a प्लस b प्लस c इंटू 2. अब आप इसमें जो आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं एग्जिस्टिंग, a की वैल्यू c की वैल्यू रख दें यहां पर, तो 5 इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 1/2 प्लस b, और c का वैल्यू है 9/2 इंटू 2. 5 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2b प्लस 9. अब सबको ट्रांसफर करिए आप, तो माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका प्लस 5, तो 5 प्लस 5, 9 उधर ट्रांसफर हुआ, माइनस 9 इज इक्वल टू 2b. ये कैंसिल, ये कैलकुलेट कर ले आप, 5 प्लस 5 10, माइनस 9 1 और 2 उधर चला गया, 1/2 इज इक्वल टू बी. ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आ गई. अब इन सारे कांस्टेंट की वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, इक्वेशन नहीं दिया हमने इसको, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2. तो इन सारी वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 में. तो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में अगर हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू है माइनस 1/2 x प्लस 1 प्लस वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू देखिए आप, आपके पास है 1/2, तो 1/2 x प्लस वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी यू कैन सी 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9. लेकिन अभी ये इस इंटीग्रेंड की वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड. अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो दोनों साइड आप इंटीग्रेट करिए, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx लगाना होगा, इधर भी आप कर दें इंटीग्रेट, माइनस 1/2 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस, इंटीग्रेट इधर भी कर दें आप, 1/2 x प्लस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx.
अब आपने, अब देखिए कितना आसान हो गया, इंटीग्रेट करते हैं इसे। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस वन बाय टू, इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है वन अपॉन एक्स प्लस वन का होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस, यहां इसको सेपरेट कर दें, वन बाय टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस नाइन बाय टू डीएक्स लगेगा, ध्यान रखिएगा डीएक्स हर इंटीग्रल में लगाइएगा, डीएक्स मिस नहीं करना, नाइन बाय टू इंटीग्रल ऑफ डीएक्स अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, चाहे तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर भी लग दे लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो आप देखिए कि आपके पास इंटीग्रल क्या हुआ, माइनस वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, इस साइड को आप चाहें तो आई लिख दें, आई प्लस वन बाय टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस नाइन बाय टू, इसका इंटीग्रल होगा वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री ब्रैकेट क्लोज। मैं साइड में फॉर्मूले कोट करता हूं आपके लिए ताकि अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो यू कैन सी दोज फॉर्मूले। यहां पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया था यहां के लिए वो फॉर्मूला ये वाला था, वो मैं यहां कोट करता हूं, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इस केस में a का वैल्यू 1 है, कोफिशियंट ऑफ x विच इज 1, तो अपॉन में 1 नहीं लिखा मैंने, अदरवाइज आपको 1 अपॉन a लिखना होगा। इस इंटीग्रल के लिए मैं आपको दूसरा फॉर्मूला लगेगा, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय, आप चाहें अब थ्री से इसको कैंसिल कर दें, थ्री थ्री जा नाइन। अब देखिएगा दोस्तों कि अब हमारे पास एक इंटीग्रल ये बच गया है, इसके लिए मैं यहां t सब्स्टिट्यूट कर देता हूं डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट किया, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, देयरफॉर dt बाय dx विल बी 2x, dt अपॉन 2 इज x dx, x dx क्यों, क्योंकि इंटीग्रल क्या है आपका x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, तो आपका फाइनली इंटीग्रल बनेगा दोस्तों i इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रल ऑफ x dx विल बी रिप्लेस्ड बाय dt बाय 2, यू कैन सी हियर dt बाय 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 को हमने क्या लिखा है t, और ये वाली टर्म ये होगा 3 बाय 2, और नेचुरली यहां से आप देखिए ये है हमारे पास है 3 बाय 2, तो 3 बाय 2 टेन इनवर्स एक्स बाय 3 प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट, वो आप बाद में भी लगा सकते हैं अभी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। अब इसका इंटीग्रल होगा, तो इसके लिए इसको मैं रब कर देता हूं नीचे वाले पोर्शन को, आपने देख लिया होगा, इसका इंटीग्रल होगा माइनस वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस
वन बाय टू और ये टू भी साथ में होगा तो वन बाय फोर हो जाएगा। वन बाय टी का इंटीग्रल लॉग टी प्लस थ्री बाय टू टेन इनवर्स एक्स बाय थ्री प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये आपने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल आंसर के लिए टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका हमारे पास इंटीग्रल होगा, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन बाय फोर लॉग ऑफ टी। टी का वैल्यू आप देख लें ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन है, मॉड भी लगा सकते हैं, बिना मॉड के भी लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू, नो प्रॉब्लम। प्लस थ्री बाय टू टेन इनवर्स एक्स बाय थ्री प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। सो फाइनली द आंसर इज दिस ऑफ योर क्वेश्चन नंबर सिक्स। बड़ा अच्छा सवाल है और काफी कुछ सीखने को है, सब्स्टिट्यूशन भी है, पार्शियल फ्रैक्शन भी है और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला भी है। इसके साथ आपने देखा कि इसमें काफ़ी चीज़ सीखने को है। आप इसमें कोई प्रॉब्लम लगे, कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो, आप मुझे लिखना, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।